नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोविजनल सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करें, क्या कट ऑफ डेट है, किस वजह से आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है और एक मेल आईडी आपको मैं बताऊंगा जिससे आप अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट जल्दी से जल्दी आप इशू करवा सकते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जाता है। जैसे आपने कॉन्वोकेशन के बाद अप्लाई करा तब आपकी रिजेक्ट हो जाती है, या आपने रॉन्ग एनरोलमेंट नंबर डाल दिया तब, या ईयर आपने गलत सिलेक्ट कर लिया तब, या आपका आपने सिलेक्ट करते हुए प्रोग्राम गलत सिलेक्ट कर लिया हो। जैसे आप BA NCVAP के स्टूडेंट हैं तो आप BA NCVAP सिलेक्ट करें, ना कि सिर्फ BA। जैसे आप BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस ही करें, ना कि BA प्रोग्राम। तो आप जब चेकबॉक्स से सिलेक्ट करें तो प्रॉपर तरीके से इसको सिलेक्ट करें, या आपने गलत डिवीज़न सिलेक्ट कर लिया है, या कई बार क्या होता है कि आपका कोर्स ऐड नहीं होता और आप गलत फॉर्म भर देते हैं। अगर ऐसा है तो आप एग्जामिनेशन ब्रांच में जाएं, वहाँ पे अपना कोर्स पहले अपडेट करवाएं और उसके बाद अपनी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें। जैसे आपने अपना एग्ज़ाम मई जून 2021 में दिया है और आपका रिजल्ट 23/7/2021 को आ चुका है, तो आप अपनी डिजिटल डिग्री डाउनलोड करें, प्रोविजनल सर्टिफिकेट ना अप्लाई करें। अगर आपने अप्लाई भी कर दिया तो आपको वो इशू नहीं करेंगे और आपकी 500 रुपीज़ वेस्ट चली जाएगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 26 फरवरी 2022 को आपकी कॉन्वोकेशन हुई थी। अगर आपका रिजल्ट इससे पहले आ चुका है तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट अप्लाई ना करें, आप अपनी डिजिटल डिग्री डाउनलोड करें। प्रोविजनल सर्टिफिकेट अगर आप ने जैसे ऑनलाइन अप्लाई करा उसके बाद फिर रिसिप्ट आपकी जनरेट हुई तो वो रिसिप्ट आप provicerti@du.ac.in पे सेंड कर दे, जिससे आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट इशू जल्दी हो जाएगा। अगर कोई भी आपको इशू है प्रोविजनल सर्टिफिकेट से तो आप अगर नॉर्थ कैंपस के स्टूडेंट हैं तो नॉर्थ कैंपस जाएँ और साउथ कैंपस के स्टूडेंट हैं तो साउथ कैंपस जाएँ। जैसे अभी आपका नवंबर दिसंबर 2021 का रिजल्ट आ रहा है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट 29 मार्च 2022 है, तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो कॉन्वोकेशन डेट थी वो 26 फरवरी 2022 थी। अगर आपने नवंबर दिसंबर 21 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है तो आप अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना सीखते हैं। इसके लिए आपको एग्जामिनेशन की वेबसाइट पर आना है, जिसका लिंक है exam.du.ac.in, ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ पे आपके आपको सर्विसेज पे क्लिक करना है, उसके बाद प्रोविजनल सर्टिफिकेट पे। प्रोविजनल सर्टिफिकेट के बाद आपको यहाँ पे क्लिक हेयर करना है। क्लिक हेयर करने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद जैसे आपको यहाँ पे अपनी मेल आईडी डालनी है, फिर यहाँ पे आपको कंफर्म करना है, यहाँ पे पासवर्ड डालना है और यहाँ पे पासवर्ड बनाना है, या मोबाइल नंबर, और यहाँ से आप रजिस्टर कर दीजिए। रजिस्टर करने के बाद आपके मेल आईडी पे एक लिंक जाएगा, वहाँ पे इसको आप क्लिक हेयर टू कंफर्म करें, फिर यहाँ से आपको आके लॉगिन करना है। ये वेबसाइट माइग्रेशन और प्रोविजनल दोनों के लिए है। देखिए मेरा लॉगिन हो गया, लॉगिन के बाद मैं यहाँ पे एप्लीकेशन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे गाइडलाइंस लिखी हुई है सारी, आप स्क्रॉल करके फिर अप्लाई पे क्लिक करें। यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स को फिल करें, फिल करने के बाद आप नेक्स्ट करें। नेक्स्ट के बाद यहाँ पे आप अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करें। फिर यहाँ पे जैसे मैंने आपको वीडियो में पहले बताया था कि आपको कोर्स अपना सही सिलेक्ट करना है, जैसे BA ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश। अगर NCVAP के हैं तो स्क्रॉल करें, आप चेक करें कि NCVAP के यहाँ पे डले हैं। जैसे ये देखिए BCom NCVAP, BA NCVAP। अगर तब भी कोई आपका इसमें नहीं है कोर्स तो आप इसको ऐड कराएं एग्जामिनेशन ब्रांच में जाकर। उसके बाद आप यहाँ पे रोल नंबर डालें अपना,
यहाँ पे अपना पासिंग ईयर, यहाँ पे कॉलेज, यहाँ पे डिवीज़न, फिर नंबर ऑफ कॉपीज वन आएगा बाय डिफ़ॉल्ट। अब सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आपका माइग्रेशन है और प्रोविजनल सर्टिफिकेट है। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे इस पे ऐड पे क्लिक करें। ऐड पे क्लिक करने के बाद आपकी ऐसी रो बन के आ जाएगी। फिर आप इसको नेक्स्ट करें, यहाँ पे अपनी फाइल को सिलेक्ट करें, यहाँ पे आपको अपनी फाइनल ईयर की मार्कशीट अपलोड करनी है। यहाँ से इसको अपलोड करें, यहाँ से इसको नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के बाद अपनी एप्लीकेशन को प्रीव्यू करें। अब देखिए रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट, यहाँ पे प्रोविजनल सर्टिफिकेट लिखा हुआ आता है। गो फॉर पेमेंट, पे फी करें और अपनी रिसिप्ट को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आप provicerty.do.ac.in पे इसको सेंड कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती तो आप मेरे टेलीग्राम पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।